यूके ट्रिपल एससी हो या यूके पीएससी हो, इनके ऊपर सीबीआई जांच बैठा, पूरी लगन से जो मेहनत कर रहा होगा ना जो भाई लोग, तो उनका विश्वास उठने लग जाता है इन चीज़ों से। ये नहीं है कि पटवारी के अंदर ही ये चीज़ें हुई होंगी, इससे पहले भी हो चुकी होंगी लेकिन पता नहीं चला होगा, है ना। हेलो मेरे प्यारे भाई लोगों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और आज दिन में आपने सुना ही होगा कि जो यू के पी एस सी ने जो पटवारी का एग्ज़ाम करवाया वो लीक हो गया, ठीक है। तो ये खबर है जो ये एसटीएफ ने बताया, ठीक है, स्पेशल ट्रैक फोर्स ने बताया यूपी की, ठीक है। इनके पास खबर आई है कि हरिद्वार लक्सर के एरिया से जो पेपर है वो लीक हुआ है और किसी आयोग के ही किसी मेंबर ने उसे लीक करवाया है, उस पेपर को व्हाट्सएप के थ्रू भेजा गया है, ठीक है, एग्ज़ाम से पहले ही। अब यार ऐसे में ये बुरी खबर किन बच्चों के लिए जो पूरी लगन से मेहनत करते हैं, जो 3-4 साल से पढ़ ही रहे हैं। हर मिडिल क्लास गरीब का बच्चा बीच में पिस के रह जाता है यार, है ना। पहले तो उत्तराखंड की खासियत है बढ़ती यहाँ आती नहीं है, बढ़तियाँ आई 4-5 साल बाद, फिर बढ़तियों में भी ये ड्रामा चल रहा है, लीक पेपर, पेपर लीक, ऊपर से क्या है पोस्टें कम है, है ना, वैकेंसी इतनी नहीं है जितने अब यहाँ घोटाले हो रहे हैं, ठीक है। 500 कुछ उसमें पोस्टें थी पटवारी में, ठीक है, उसमें से तो 100-200 इन्होंने फिक्स ही कर रखे होंगे, है ना। अभी तक तो 35-40 का पता चला कि 35-40 बच्चों तक ये गया है, इन तक पेपर ये शेयर कर चुके हैं। अब हो सकता है कितने चपेट में आते हैं ये तो अभी देखना बाकी है, ठीक है। अपनी तरफ से और बाकी सारे सभी प्यारे भाई लोगों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध करूँगा कि जल्द से जल्द यूके ट्रिपल एससी हो या यूके पीएससी हो, इनके ऊपर सीबीआई जांच बैठानी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। जब तक इन अपराधियों को इनका दंड ना दिया गया, और दंड कुछ इस तरह से होना चाहिए कि इनको जमानत ना मिल सके 9-10 साल से पहले, तब तक ये सुधरने वाले नहीं है, है ना, तब तक ये सुधरने वाले नहीं है, ठीक है। बाकी फ़िलहाल के लिए तो आप वैकेंसी रोक ही दो जब इसी तरह से हो रहा है। और ये नहीं है कि पटवारी के अंदर ही ये चीज़ें हुई होंगी, इससे पहले भी हो चुकी होंगी लेकिन पता नहीं चला होगा, है ना। कहीं ना कहीं हमारे जो मेहनत करने वाले भाई लोग हैं ना वो रह जाते हैं इनके चक्कर में, है ना। तो एक टाइम ऐसा आता है जब भरोसा उठने लग जाता है इन चीज़ों से, जो भाई लोग तैयारी कर रहा होगा, पूरी लगन से जो मेहनत कर रहा होगा ना जो भाई लोग, तो उनका विश्वास उठने लग जाता है इन चीज़ों से कि यार कुछ नहीं है, गवर्नमेंट नौकरी ऐसी है, पेपर लीक हो गया, अपना अपनी जो पोजीशन है वो कोई और ले जा लेगा, है ना। कि हौसला मत हारना, अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखो, ज़रूर आपको सफलता एक दिन ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है। देखते हैं कब तक ये घोटाले चलते हैं, कभी ना कभी तो सही होंगे। बाकी आपके साथ भी इंसाफ होगा यार, जिन भाई लोगों की एज नहीं रहेगी इन कारणों से ना, उनके ऊपर भी बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा, हम आपके साथ आएंगे। बाकी फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है आपका, तैयारी कीजिए, आई होप आप सब ने भरा होगा, ठीक है। कोई नहीं, उम्मीद यही करूँगा कि उसका पेपर लीक ना हो, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है ना, क्या पता हो चुका होगा, जब पटवारी का हो सकता है तो उसका भी हो गया होगा, है ना। लेकिन कोई नहीं, तैयारी कंटिन्यू रखना दोस्त, ठीक है। मेरे प्यारे भाई लोगों को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, थैंक यू।